एक तरफा प्यार में एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े बीच सड़क पे बड़ी बेरहमी से तेज धार हथियार से महिला पे किया हमला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शिक्षायद आज का महानगर में आपका स्वागत है। 27 मई शुक्रवार के दिन हैदराबाद के कंचनबाग पुलिस थाने की हद में एक महिला रास्ता क्रॉस कर रही थी। एक व्यक्ति इस महिला के पीछे से आके तेज धार हथियार से इस पे हमला कर दिया। जो वहाँ स्थानीय लोग मौजूद थे उन लोगों ने इस महिला को बचाने के लिए जब उन लोग आगे बढ़े इस महिला की तरफ तो ये व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये महिला का नाम है नूरबानो और जो व्यक्ति ने पीछे से आके नूरबानो पे हमला किया था इसका नाम है हबीब। तो जो हमें जानकारी मिली है पुलिस द्वारा ये इस तरीके की है। ये हबीब इस महिला के एतराफ में ही रहता था। नूरबानो का जो पति था उनका 2 महीने पहले इंतकाल हो गया। 2 महीने से ये हबीब इस पे बुरी नजर डाला हुआ था और इसके लगातार कहीं जाने आने में पीछा भी करता था और इसने नूरबानो को शादी का प्रस्ताव रखा। नूरबानो ने इसका शादी का प्रस्ताव ठुकराया। अब इस शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अभी गुस्से में आके नूरबानो जब रोड क्रॉस कर रही थी तो पीछे से आके बीच सड़क पे तेज धार हथियार से इसने हमला कर दिया। जब वहां के लोगों ने इस महिला को बचाने के लिए आगे बढ़े तो वहां से अभी भाग खड़ा हुआ और वहां पुलिसकर्मी भी पहुंच गए थे। वहां के स्थानिक लोग और पुलिसकर्मियों ने मिलके इसे उठा के वहां के पास के अस्पताल में बताया जा रहा है नूरबानो खतरे से बाहर है। और वहां एतराफ के जो ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और नूरबानो की जो लड़की है उसने क्या कहा हम वो भी आपको सुना रहे हैं। मेरा नाम सबरीन है, मेरे मम्मी का नाम नूरबानो है। ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने वाले स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में और दूसरी जगह भी 3 बार कंप्लेंट दिए कि 3 बार भी केस फाइल करे मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई और लोग हमें कुछ कर रहे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया, उन लोग को जेल में डालने वाले थे। ऐसा हुआ ये सब। आपके मम्मी की उम्र क्या रहती थी? 45 है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? 3 बार करे जाके। ऐसा क्या रिस्पांस मिला पुलिस को? कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, तो केबल ऑपरेटर था। फ्रेंड्स केबल नेटवर्क। कितने की बार बोले भी मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश कर पर कुछ नहीं रुक रहा ही नहीं था।
नहीं एक बार जाके कंप्लेंट करा, हम लोग क्या बोलते हैं लाके बुला के निकला हम लोग के पास। बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ भी टूट गया पूरा, संतूर से मारे के तो पूरा। क्या नाम? शेख हबीब नाम है उसको, शेख नसीर उनके नाम से जानते हो। उन्हें क्या करते काम? नहीं मालूम, बेकार नहीं मालूम, बेकार फिरता गया, वहाँ औरतों के पीछे रहता। आपके वाला का नाम क्या है? नूर बानू। मजीदा साले के पास करो, शादी शुदा है? नहीं 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 है, उन्होंने मैरिड है। हाँ, तो उनकी एज क्या रहती? 48-50 होंगे। नहीं नहीं 30 होंगे, 30-32 होंगे, 20-25 साल होंगे। ठीक है दादो जी, मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है, मैं बाबा नगर के बोला बैठ रहा हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है आईडी के ऊपर। कई कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हाँ हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब, खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ, हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूर बानो है, जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इसके लिए अभी भी अभी अस्पताल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये? साल डेढ़ साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता। हरासमेंट की वजह से कर रहा हूँ, वजह वजह हरासमेंट कर रहा है, जबरदस्ती का हरासमेंट कर रहा है, पीछे जा रहा है, नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है। हाँ, उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले हैं, खाली बिली का हरासमेंट कर रहा हूँ, उनके पीछे फिर रहा, उनको बोले तो रोके। बाबा नगर में रहता मस्जिद सालेन के पास, नहीं वो कोई लीडरों के साथ रहता क्या टी आर एस के, हमको नहीं मालूम, सुनने में आया सके कोई टी आर एस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। आप इससे पहले भी आप कंप्लेंट दे, कोई पुलिस एक्शन? नहीं नहीं कोई एक्शन नहीं, हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दिए। नहीं लेके जाते 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े थे कुछ? पकड़े नहीं मालूम अभी कुछ, नाम अभी मालूम नहीं, पकड़े गया नहीं गया अभी कुछ नहीं मालूम, कहाँ है इस वक्त नहीं मालूम। आप कौन होना वाला? मैं किसको? लेडीज का कौन? मैं देवर हूँ जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं मालूम। जो बोल रहे हैं आप क्या जी? कुछ हरासमेंट मैं ऐसे सुनने में आया, हरासमेंट कर रहा है, पीछे जा रहा, जैसा कि बोलते ना कुछ ऐसा। शादी हुई तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा है, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है जैसा जैसा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, डॉक्टर वगैरह तो देख रहे हैं, अभी तो सीरियस में है, तड़प रहे हैं बहुत, अभी बहुत बुरा हाल है, टूटी कने कट गया पूरा। कैसा हुआ मतलब किस चीज़ से? नहीं मालूम, कत्ते से मारा बोल के मालूम हुआ। अभी पैदल था वो लेडी? हाँ लेडीज़ तो पैदल ला रहे थे, जो उन्हें गाड़ी पे था बोल के सुनने में आया। साथ में कोई नहीं थे? नहीं कोई नहीं था, कुछ काम से बाहर निकले थे मोटर गने, उस वक्त हमला हो गया। मतलब कुछ जॉब वगैरह करते क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, उन लोग खुद कारोबार संभालते हैं मेरे भाई का, हम लोग का जो कारोबार है। हो सकता है कारोबार का कुछ टेंशन वगैरह है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कारोबार नहीं, कारोबार के ताल्लुक से कोई टेंशन नहीं, नहीं नहीं कारोबार के ताल्लुक से नहीं है, कुछ ज़बरदस्ती का हरासमेंट कर रहा था, छेड़म छाड़ी कर रहा था। इससे बार घर में भी घुस गया था एक बार, तो हम लोग कंप्लेंट कराए, इससे पहले बच्चों को भी मारा तो कंप्लेंट कराए, कोई एक्शन नहीं है पुलिस का। और उन्हें कंप्लेंट करा तो हमको ले आके बुक कर दिए, किस केस पर? पीटी केस में बुक करके हम लोग को भिजा दिए, फिर हम लोग वहाँ से चालान वगैरह चालान भर के।